आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हमारे कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, हमारे जो क्रेडिट और कार्ड्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, टेंशन मत। उसमें कैशबैक भी है, उसमें बहुत कुछ है, उसमें आपको पैसा बना करेगा रोज का रोज, अगर आपके पास आपके आपके एफिलिएट्स हैं आपके, ओके, आपका और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पैसे खर्च रहे हैं, तो वहां से भी पैसा आपको जनरेट होगा, आ रहा है, वेट करिए, यूपीआई की टेंशन तरह ही मत आ लो। रहा सर अपना। ये यूपीआई वूपीआई कोई भूल जाओ, हमारा खुद का ही कार्ड है वो, उसमें सारा कुछ होता रहेगा, ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं उसमें, ना यूपीआई ना कुछ, वो कार्ड में पैसे होंगे आपके, आपके हाथ में आपका कार्ड है, आप ट्रांसफर करिए उसको, ये करिए, खर्चिए, और उससे पैसे भी बनेंगे आपको। नहीं सर मैं वो तो कह रहा हूँ ठीक है, यूपीआई की तरह आ जाएगा ना, तो और कस्टमर यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट और बिकेगा ना, ज्यादा वायरल हो जाएगा। मैं कहना टेंशन नहीं ना लो, सारा कुछ कंपनी ने प्लेस कर दिया है, कैसे कस्टमर को लाना है, कैसे क्या करना है, ये कुछ अलग हो रहा है असल में, ओके, ये ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स वो सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे ये सारी चीजें कुछ अलग होके आ रही हैं, ओके, तो वेट करो उसको आने का, ये सारा कुछ प्लेस्ड है, लाइन में है। चलो सर ठीक है, ये थोड़ा कार वाली पेमेंट थोड़ा जल्दी ठीक करा दो सर, हो नहीं रही, मन ने भी एक दो हो आइटम रहा हो क्लेम रहा है। करनी है। नमस्ते डीलन सर, वेलकम एक जीवन जी, सर्विस मैन जीवन मान के लिए बात कर रहा हूँ सर। वेलकम। सर मेरे ग्रुप में एक 37 ईयर का जो पेड फाउंडर है उसका डेथ हो गया है। तो अभी उसका जो आईडी है उसके मिसेस के नाम की प्रोफाइल बनाए तो भी चल जाएगा या टिकट रेस करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, आप नाम चेंज कर सकते हो वहां पे, ओके, यूएस में जाइए हाँ और वहां पे उनकी मिसेस का नाम डाल दीजिए, तो कल को जब आप वेरीफाई करना होगा तो वो मिसेस के डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाएगा, नो सर। प्रॉब्लम। और एक या सेकंड क्वेश्चन ऐसी है सर, अपना मल्टीपल आईडी जो है उसका जो है दी अपन को ये लगाना है सर, ये लगा नहीं अपन को विड्रॉल लगाना है तो एक दिन में लगा हाँ सकते क्या? हाँ हाँ क्योंकि हर एक आईडी अलग है, अगर मल्टीपल आईडी भी है, हर एक आईडी अलग है, तो अलग अलग से आप विड्रॉल कर सकते हैं उसमें, हाँ, सब क्योंकि सब कर सकते हैं। अभी जो नगमा मैडम के अभी एक हफ्ते पहले वीडियो आया था कि एक दिन में एक ही जब तक के दूसरा आता नहीं विड्रॉल अपने बैंक में नहीं आता नहीं तब तक के नहीं दूसरे नहीं वो 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 आईडी का वो नहीं सुनिए, है। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं सर, नहीं नहीं हाँ एक आईडी का एक एक विड्रॉल लगेगा, जब तक वो क्लियर नहीं होता हाँ तो सर, हाँ ठीक वो है, है। अब मल्टीपल अगर आईडी है आपके पास तो वो मल्टीपल आईडी मतलब अलग अलग आईडी हर एक ही है, तो एक एक बार आप हर एक में लगा सकते हैं विड्रॉल। सर हाँ ठीक है सर, ऐसा है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल यही मैंने भी एक्सप्लेन किया था कि एक अकाउंट से जब तक आपका वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दोबारा से वहां पर नहीं प्रोसेस में डाल सकते विड्रॉल का। नहीं और मैडम, आपने क्या अगर बोला था, मल्टीपल आईडी के ऊपर मुझे बात किया था। हाँ शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मल्टीपल आईडी तो अलग अलग ही हो गई, तो उसमें तो आप अलग अलग ही विड्रॉल लगाएंगे ना सर, उसका तो फिर कंडीशन ही नहीं बनता आपका सेम डे का। हाँ हाँ ठीक है एब्सोल्युटली, मैडम, ठीक है, ठीक। थैंक यू नगमा मैम। मेरा सर डेलन सर, मेरे मेरे क्वेश्चंस जो थे उनका आंसर तो मुझे मिल गया दोनों का, बट एक जी क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्विफ्ट कोड के बारे में पता नहीं है, और वो एक दो जिनको मैंने बोला भी है उनको पेमेंट को उनका लगाना है, तो उन्होंने बोला कि मैं आईएफएससी कोड डाल दिया है तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर वो स्विफ्ट कोड मांगने बैंक में जाते हैं तो वो उनसे सवाल करने लगते हैं आपको क्यों चाहिए, ये करना फ्रॉड में कोई तो नहीं है, और ये इस तरह के क्वेश्चन करते हैं वो लोग। जी, देखिए सिंपल सी एक बात है ये, अगर चलो बैंक में भी जाते हैं उनको बोलो कि मेरा कुछ इंटरनेशनल पेमेंट आने वाली है तो उसके लिए मुझे चाहिए, वो पूछेंगे फ्रॉड है क्या, नहीं कोई फ्रॉड नहीं, बात खत्म, ओके, बैंक वाले दे देंगे। इससे भी आसान काम है, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास फोन है, गूगल करो, ओके, आपको आपके बैंक का स्विफ्ट कोड वहां पे खुद ही मिल जाएगा, आपको कहीं बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ओके, आप अपने गूगल करो कि ओके प्लीज फाइंड मी माय बैंक, जो भी आपका फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, या वट एवर जो भी, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, वट एवर है, तो उसके कोड्स वहां पे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ओके, वहां से कॉपी करो और वहां पे डाल दो, जी ठीक है। बिल्कुल, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा इसी तरह से, जी जिससे वो जी अपना जी कर जी सके। और जी जी दूसरा, आपने कभी यूट्यूबर्स के बारे में कहा था तो मुझे ठीक लगा, जिसमें कि मैं जो दो तीन यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको मैं काफी सुनता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। हमारी नगमा मैम जी है, और इधर एक हमारे
मोहम्मद कैफ सर है, दूसरा खुशबू मैम का जो सेशन होता है वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है, हर उसके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है वो, तो मैं कहूंगा कि सब लोग जरूर एक बार देखें। एब्सोल्युटली बिल्कुल, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हमारे पैनल पे भी हैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो सही काम कर रहे हैं, ओके बाकी भी हैं जो पैनल पे नहीं है वो भी सही करें, बट उसमें से प्रॉब्लम ये है कि बहुत कुछ अपने तौर तरीके से बोल दिया जाता है बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, या उनके थंबनेल्स भी ऐसे हैं, ओके सो इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन से यूट्यूबर को देखना है, कौन से किसको नहीं देखना, जो कि आपको सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे। कुछ यूट्यूबर्स हैं फालतू में कंफ्यूज कर रहे हैं, ओके फालतू में कंफ्यूज कर रहे हैं, फालतू में खुद ही सब्जेक्ट मैटर के ऐसे एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वही कंपनी है और उन्हीं को सब कुछ मालूम है, जबकि वैसा है ही नहीं कुछ भी, ओके रियल रहिए, और रियल रह के जस्ट हम डिस्कस ऑन पैसिव को कर रहे हैं, हमें और कुछ डिस्कस नहीं करना है कि हमें ये है, हमें वो है, हमारे जीरो टू को ऐसे मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये टीम वाला ये चीज जो डिस्कस हो रही है ना, ये ऐश बिल्कुल नहीं चाहते असल में, वो ऑन पैसिव को ये इसमें घसेटना नहीं चाह रहे, ये जो MLM की टर्म्स और है ना, ये टीम वाली सिंगल आईडी और ये आईडी, इन चीजों में नहीं डालना चाह रहे वो, बट यहाँ पे यूट्यूबर वही काम कर रहे हैं, ओके वहां पे शरेआम लिख रहे हैं वहां पे सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये इनको बंद करना पड़ेगा, ये यहाँ पे इनको बंद करिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, तो ओनली एंड ओनली जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूबर में उन्हीं के पास आप जाइए, उनकी आप सुनिए, वो अच्छा कर रहे हैं बेसिकली रहते हैं, बट अगेन अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनका पासवर्ड वगैरह जो भी आप वो कहते हैं ठीक है आप ले लो एंड आप उसको करके और उन आईडीज के नेम जो आप अपने नेम पे चेंज करके आप अपने पास रख सकते हो। मुझे डाउट कोई ओमेल का कि मैं उसको ले तो लूंगा तो नाम तो कुछ और है ओमेल का, तो उसको मैं कैसे करूंगा, तो वो मौका मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो जब आप पे कर पे तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप आईडी का नेम चेंज करो ना पहले, जब नेम चेंज करो तो आप अपने नाम से वेरीफाई कर सकते हो फिर उसके बाद, राइट वो जो 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 आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो आप अपने नाम के कर सकते हो, क्योंकि आपके नाम की आईडी है वो, उसे ईमेल का ईमेल से कोई लेना देना नहीं है आपके आईडी का या नेम वेरिफिकेशन का जो भी है, वेरिफिकेशन अगर आपके नेम से होनी है, अगर नाम आपको वही है तो आप वेरीफाई हो जाओगे। सेकंड थिंग सर कि मेरी मैंने पूछा भी था नगमा मैडम से, तो नगमा मैडम जो है कुछ और उस बात को नहीं समझ पाई, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस दूर है, मैं रहता हूँ मुंबई में, और मेरी वाइफ का सारा डॉक्यूमेंट्स वहां से, मैंने कुछ कोताही की, मैंने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किया, उनके बैंक अकाउंट में 10,000 से ज्यादा डिपोजिट नहीं कर सकते, अब ऑन पैसिव जो है तो 10,000 तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या उनके अकाउंट का जो ट्रांसफर है वो मैं मेरे अकाउंट में ले सकता हूँ? देखिए जिसकी आईडी है आप वहीं पे उस पे आउट आप अपना वहीं पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको जब आप पे आउट लेते हो आपको वेरीफाई करना पड़ता है आपकी फोटो आईडी या व्हाटएवर जो भी आपके पास, ठीक है ना, तो व्हाई नॉट कि अगर आपने लेना तो आप अपने नाम पे अपने वाइफ की आईडी को ट्रांसफर कर लीजिए, अपना नेम चेंज कर लीजिए वहां पे, सिंपल है वो तो। अच्छा, अपने उनकी आपकी वाइफ का नाम जहाँ वहाँ पे है तो वहाँ पे आप अपना नाम डाल लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो मैंने तो विड्रॉल लगाया हुआ है कि प्रोफाइल पे नेम उनका ही है, आधार उनका ही अपलोड किया, पर अकाउंट नेम वगैरह सब मेरा दिया हो। अकाउंट नेम आपने अपना दिया, एनीवेज अगर कंपनी को लगेगा कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो आपको आपको अपने कॉन्टेक्ट कर लेंगी, ओके तो नथिंग टू वरी, बट स्टिल अभी चलने दो प्रोसेस, क्योंकि आपने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है, जब आ जाता है आपके पास ओके उसके बाद आप इसको दुरुस्त कर सकते हो, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपको मैंने यही बताया था कि रियल रहना चाहिए, जो नाम है उसी नाम से ही आप अकाउंट में विड्रॉ करें तो वो बेटर रहेगा, यही था मेरा रिप्लाई आपको। जी सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ है यहाँ पर माहिद एफ, शायद इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है, माहिद एफ जी सर, आपको ऑप्शन दिया है, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मैडम नमस्ते जी, नमस्कार सर, डिलन सर को प्रणाम मेरा, मैं मध्य प्रदेश रतलाम से बोल रहा हूँ, महेंद्र सिंह राजपूत सर। सर मेरा निवेदन ये था कि हमारा जो ओ नेट है, इस ओ नेट के ऊपर अपन जो भी पोस्ट करते हैं सर तो बराबर पोस्ट होती नहीं, फोटो भेजते हैं तो कोई बड़ा छोटा बताता है,
फेसबुक पे जैसे हम पोस्ट करते 10-10 फोटो एक साथ शेयर हो जाते, वीडियो भी शेयर हो जाते और उसपे हम हमारा लाइव कार्यक्रम भी बता सकते हैं। ऐसी सुविधा हमारे वो नेट में होगी क्या सर? एब्सोल्युटली बिल्कुल, जो नए रिलीज आ रहे हैं सारे के सारे ओनेट के, ओमेल के, ओकनेट के, वो सारा का सारा होने वाला है। ओके, ये अभी सारा अभी मेन मेन जो ओनेट है